फोटो। आधुनिक दुनिया की चकाचौंध के बीच एक अनोखी पहल करते हुए निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र में पदस्थ SDOP संतोष पटेल ने मिसाल पेश की है। उन्होंने पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज को अपनाते हुए अपनी शादी पारंपरिक ढंग से की। शादी में पुरानी वेशभूषा के लिए खजरी की मोर मुकुट और पालकी बैठकर राज निकलवाना जैसी चीजें शामिल हैं। विदाई के लिए डोली के साथ जाने के लिए साइकिल पर बैठकर विदा करवाना और गांव की सकरी सड़कों पर दुल्हन को साइकिल के डंडे पर आगे बिठाकर ले जाना आज के युग में एक आश्चर्य लगता है कि कोई IPS अधिकारी इस पुरानी संस्कृति को अपनाकर भी शादी कर सकता है। ये शादी देखकर चंदला गांव के लोग भी अचरज में पड़ गए कि SDOP साहब ने अपनी नवविवाहिता को साइकिल पर बैठाकर ले जा रहे हैं और अपनी पुरानी संस्कृति को अपना रहे हैं। आज के युग में लोग अपनी दुल्हनों को हेलीकॉप्टर, कार और अन्य तरीकों से विदाई करवाते हैं, लेकिन साइकिल पर गांव के लोगों ने पहली बार ये नजारा देखा। संतोष पटेल ने अपनी शादी से चली आ रही वैवाहिक परंपराओं का पालन किया। सिर पर खजूर के पेड़ के पत्तों का मोर भारतीय परिधान में थे तो दुल्हन ने भी हेठ भारतीय सीधे पल्ले की चुनरी पहन रखी थी। पृथ्वीपुर में पदस्थ SDOP संतोष पटेल, जो मुख्य रूप से पन्ना जिले के अजयगढ़ के देव गांव के रहने वाले हैं, उनकी शादी 29 नवंबर को चंदला की गहरावन गांव में रोशनी से हुई थी। 29 नवंबर को हमारी शादी थी और शादी की सारी तैयारियां गांव के उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से की गई थी, या झोपड़ी हो, घास फूस की, और जो पोशाक थी वो पुरातन संस्कृति की थी, खजूर का मोर था और पीले वस्त्र थे। तो जो भी हमने कोशिश की, जो पुराने माता पिता चाचा चाची लोग सुनाया करते थे कि हमारे समय शादियाँ ऐसी होती थी, ये पालकी का प्रयोग करते थे, सारे संसाधन हमने इकट्ठे किए और बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। लास्ट में देवी देवताओं का और पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए जंगल जाना था, तो वहाँ पर रास्ता सही नहीं था, तो हम अपनी दुल्हन को साइकिल में बैठा कर वहाँ पर लेकर गए और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। फोटो।
निवाड़ी से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज़।